नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निकेत सिंह उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा से, मैं योग से असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। आप लोगों के समक्ष आज योग के आधारभूत तत्व विषय पर आज एक व्याख्यानमाला लेकर आया हूं। एमए वायो 240 इस विषय पर ये हमारा आज विषय है भक्ति योग। भक्ति योग हमारे अनेक योग के मार्गों में से एक मार्ग माना जाता है भक्ति योग। आज हम सभी भक्ति योग के विषय में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि भक्ति योग क्या है। भक्ति को सब जानते हैं, लेकिन भक्ति भी योग हो सकती है या भक्ति के द्वारा भी योग हो सकता है, इस विषय पर बहुत से लोगों का अपना अपना अलग मत है। लेकिन ये भी एक माध्यम है, अनेक रास्ते होते हैं, जैसे अंत में जाकर के एक ही जगह मिल जाना, ऐसे ही अनेक मार्ग जो योग के अनेक मार्ग हैं वो सब एक ही जगह मिल जाते हैं। सबका लक्ष्य उद्देश्य एक ही है, जैसे अनेक नदियां हैं वो सब मिल करके एक साथ जाकर के गंगा सागर में विलय हो जाती हैं, समुद्र में विलय हो जाती हैं। उसी तरीके से योग के भी अनेक पथ हैं, जिनमें से हम पिछली बार हमने अभी अष्टांग योग के विषय में बात की थी, अष्टांग योग राजयोग जिसके बारे में हमने बात की, इसके बाद में हम भक्ति योग के विषय में बात करने जा रहे हैं। ऐसे ही अन्य और भी मार्ग हैं, जैसे मंत्र योग, लय योग, ज्ञान योग, कर्म योग, इस तरह से अनेक मार्ग जो हैं योग के अलग अलग मार्ग कहलाते हैं। आज हम भक्ति योग के द्वारा अपने योग के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो योग के आधारभूत तत्व हमारा एक प्रश्न पत्र है, आप सभी लोग जानते हैं। उस प्रश्न पत्र में भक्ति योग का एक हमारी यूनिट है, यूनिट में भक्ति योग के विषय में आपको बताया गया है कि भक्ति योग क्या है। आपको भक्ति योग को जानना समझना है तो आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे। आगे ये हम जानेंगे कि सबसे सरल और पुराना भक्ति योग माना जाता है, सबसे सरल और पुराना। वैसे तो प्राचीनतम सभी ही हैं, लेकिन सबसे सरल, सरलतम अगर जो मार्ग देखा जाए तो वो कौन सा है, भक्ति योग है। पुराणों में, गीता में, योग वशिष्ठ में, अनेक उपनिषदों और ग्रंथों में भक्ति योग के विषय में चर्चा हुई है, भक्ति योग के विषय में बताया गया है। तो यहाँ पर 12वीं शताब्दी के बाद में भारत में जो है, जब हम लोग जानते हैं कि 12वीं शताब्दी के बाद में एक ऐसा युग आया जिसमें भक्ति योग के विषय में ज़्यादा चर्चा हुई, ज़्यादा ही उसमें बताया गया, अनेक ऐसे भक्त आए उनके द्वारा इस योग की विधा के को सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ 12वीं शताब्दी के समय पर। उस समय अनेक संत हुए, जैसे संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, कबीर, एकनाथ, नामदेव, गोरखपुर भार, मीरा बाई, गुरु नानक, नरसिंह मेहता, ऐसे बहुत सारे भक्त हुए, ऐसे बहुत सारे संत हुए, उन्होंने इस मार्ग को बताया। वो ऐसा समय था जब समाज में धर्म या कह सकते हैं आस्था का बड़ा संकट चल रहा था। आस्था संकट के कारण लोग अपने जीवन में पथ भ्रष्ट हो रहे थे, मार्ग से बाहर जा रहे थे, लोग आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, जात पात ऊंच नीच के आधार पर समाज बट रहा था, छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव चल रहा था। ऐसे समय में लोगों के बीच में इन संतों ने भक्ति योग के माध्यम से लोगों के अंदर एक योग की परंपरा जागृत की, लोग योग के द्वारा अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को आगे बढ़ा पाए। तो उन्हीं संतों के विषय में यहाँ पर बताया है। इन लोगों ने भक्ति आंदोलन के द्वारा समाज में उन्नति का कार्य किया, उन्होंने आगे बढ़ाया। वैसे भक्ति को देखा जाए तो ये भज धातु से मिलकर के बना, भज, भज का मतलब होता भजन, भज जो है धातु है उससे शक्ति, उससे भक्ति बना हुआ है। भक्ति का जिसका अर्थ जो है सेवा या समर्पण है, भज का मतलब क्या होता है, सेवा या समर्पण, ईश्वर के प्रति अत्यधिक प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति सूत्र। इस ग्रंथ में शांडिल्य ऋषि ने भक्ति की परिभाषित भी किया है, जैसे कि उन्होंने बताया है कि भक्ति किसे कहते हैं, तो उन्होंने बताया परान भक्ति ईश्वरे, परान भक्ति ईश्वरे, ईश्वर में सतत प्रगाढ़ अनुरागी अनुग्राही भक्ति है। ईश्वर में सतत, सतत का मतलब है निरंतर, लगातार, ये नहीं कि कुछ समय के लिए हमने किया, लगातार आपके अंदर वो भाव है। तो ईश्वर में सतत प्रगाढ़ अनुग्राही भक्ति है, हमें उस ईश्वर के प्रति जो अनुग्रह है वो हमेशा सतत बना रहे, यही एक भक्ति की विशेषता है।
अब बात करते हैं भक्ति के भेद। भक्ति के भेद, तो भक्ति भी कई प्रकार की है। हम लोग भक्ति के विषय में बात करते हैं, आजकल एक और प्रचलन करने लगे लोग भक्ति को, उसको एक नकारात्मक रूप भी बताने लगे हैं, लेकिन सकारात्मक दृष्टि पर ही हम चर्चा करेंगे। तो भक्ति के भेद, तो भक्ति के मुख्य रूप से दो भेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? सगुणा या गौणी या साधना भक्ति, साधन भक्ति, सॉरी। भक्ति के दो भेद हैं, सगुणा गौणी साधन भक्ति। ये भक्ति योग जो है ये प्रारंभिक अवस्था है, ये निम्न स्तर की भक्ति कहलाती है। ये कहने का मतलब है जब हम भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है, कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, तो यह पहली अवस्था मानी जाएगी। क्या है? सगुणा या गौड़ी। सगुणा, सगुण का मतलब है जो सामने प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्यक्ष के रूप में हम उसको, हम उसके प्रति हमारी भक्ति होती है। प्रत्यक्ष है सगुणा का मतलब। सगुण दो मार्ग होते हैं, सगुण और नीचे भी लिखा है दूसरा निर्गुणा या रागात्मिका परा या साध्य भक्ति। तो निर्गुणा, सगुण या निर्गुण दो तरीके की भक्ति के मार्ग हैं। तो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, इस दो शब्दों से आप याद रखिए। सगुण का मतलब है ऐसा जिसे हम, जिसमें हमें कुछ गुण दिखते हैं, गुणों के आधार पर हम उनको प्रार्थना करते हैं। गुण के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, हम प्रतीकों को मानते हैं, पूजा पाठ ध्यान साधना क्या करते हैं, प्रतीकों के समक्ष करते हैं। मूर्ति है, मंदिर है, इस तरह की चीज़ों को हम जब सामने लेकर के आते हैं, हमने किसी की भक्ति की तो उसकी मूर्ति, उसका स्वरूप हम सामने लेकर के आते हैं, उनके गुणों को आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या कहते हैं? सगुणा। निर्गुणा का मतलब होता है, निर्गुण मतलब है कोई जिसमें कोई, उसका कोई गुण ना हो, हम जो हमें दिखता नहीं हो, अप्रत्यक्ष दिख हो, उस रूप को क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति। अब इसमें ये उच्च स्तर की भक्ति कहलाती है, इससे सांसारिक समस्त दुखों का नाश होकर परम सुख की प्राप्ति होती है। तो ये आगे क्या बढ़ करके कहने का मतलब है कि आप सगुण को क्लास 1 कह सकते हैं, निर्गुण को क्लास 2 कह सकते हैं। तो सगुण हमारी प्रारंभिक अवस्था, निर्गुण हमारी उच्चतर अवस्था, आगे की अवस्था, जब हमें किसी भी प्रतीकों की आवश्यकता ना रह जाए, जब हम सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप है, उसके जो क्या कहते हैं, कह सकते हैं उसके जो चेतन स्वरूप है, उसका जो चेतन स्वरूप है, उस चेतन स्वरूप को ही हम सिर्फ अपनाएं, उसमें विलय हो जाएं, उसी को माने, उसी के आधार पर हम भक्ति करें, तो ये क्या होता है, क्या कहलाता है? निर्गुण रागात्मिक या परासाध्य भक्ति। आप सब देखते होंगे बहुत सारे ऐसे संत हैं, ऐसे मार्ग हैं, ऐसे लोग हैं जो दो तरीके से बात करते हैं। कोई कहता है कि ईश्वर का स्वरूप है, कोई कहता है ईश्वर का स्वरूप नहीं है। तो जो ईश्वर का स्वरूप मानते हैं तो प्रतीक रूप में मानते हैं, प्रतीक रूप में उसको सामने रखते हैं, प्रत्यक्ष रूप में सामने रख करके उसको, उसके प्रति अपना भक्ति भाव रखते हैं और उसको मानते हैं, वो सगुण भक्ति के मार्ग की ओर जाते हैं। निर्गुण भक्ति में क्या कहलाता है? निर्गुण भक्ति का मतलब यही है कि उसकी कोई स्वरूप नहीं होना। तो कहते हैं कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है, वो भावनात्मक रूप से सर्वत्र विद्यमान है, भाव रूप में सर्वत्र जगह पर है, तो ये जो है सूक्ष्म रूप से विद्यमान शक्ति है, तो इसको हम निर्गुण भक्ति कर रहे हैं। तो हमने दो मार्गों के विषय में आज अभी समझा। इसके बाद में भक्तियों के प्रकार, अभी हमने भेद जाना, भेद के बाद में हम प्रकार पर बात करेंगे। तो भक्तियों के प्रकार, भावना योग के प्रकार हैं भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग का, इनका अभ्यास भावना श्रद्धा विश्वास अवलंबित होता है, इसलिए इसे भावना योग कहते हैं। दो प्रकार के बाद, प्राण भावना योग भक्ति और प्राण संयम भक्ति। तो भावना योग में हमें क्या, कौन कौन से दिखती है? भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सब सारी जो होती, ये सब भावना योग में आता है। इनमें क्या आवश्यकता होती है? इसमें श्रद्धा की आवश्यकता होती है, अभ्यास की आवश्यकता होती है, विश्वास की आवश्यकता होती है। श्रद्धा विश्वास इस आधार पे हम इस मार्ग की ओर बढ़ते हैं, तभी तो भावना योग कहलाता है। उसके बाद दूसरा है क्रम, प्राण संयम। तो प्राण संयम का जो है, उनमें से, उनमें हठ योग है, अष्टांग योग है, कुंडलिनी योग है, मंत्र योग है। आपने देखा होगा हठ योग में क्या करते हैं, ये प्राण संयम के द्वारा होता है। क्या कहते हैं? हटारा कथिते सूर्या ठकारस चंद्र उच्चते, सूर्य चंद्र समर योगात हट योगा विगर्दते। हट मतलब इस दोनों स्वरों के माध्यम से हम जब प्राणों को नियमित करते हैं, हकार और ठकार के माध्यम से, तो वो प्राण संयम का योग है। तो
तो वो हठ योग है। अष्टांग योग में भी आपने देखा होगा, अष्टांग योग में भी प्राणायाम के विषय में बात चर्चा हुई है। हम प्राणों को संयमित करते हैं अष्टांग योग में, उसके माध्यम से हमारे विचार जो है वो संयमित होते हैं, इंद्रियां हमारे अंतर्मुखी होती हैं, बनती हैं। उसके बाद में देखा है कुंडली योग और मंत्र योग, ये भी सब इसी पर आ जाते हैं। मंत्र में क्या करते हैं, मंत्र योग में मन्ना नाम त्रैते ही तो मंत्र, मंत्र को जपते हैं, मंत्र जाप करते हैं, इसमें आगे भी बताया गया है आगे। तो इससे क्या होता है, श्वासोश्वास के नियंत्रित किया जाता है, जैसे आसन प्राणायाम ओंकार जप, तो इन सब माध्यमों में प्राण संयम कहलाता है। तो दो प्रकार कहलाए जा सकते हैं। फिर उसके बाद में बताया गया है कि सभी भेदों का लक्ष्य योग क्या होता है, जैसे कि चाहे हम बात करें भावना योग की या प्राण संयम योग की, तो इन दोनों में सबसे विशेषता क्या है। दोनों मार्ग जो हमें, जैसे हमने प्रारंभ में ही बोला कि योग के दोनों मार्ग हमें किस ओर ले जा रहे हैं, हमें एक ही लक्ष्य की ओर लेकर के जा रहे हैं, हमें उस परमपिता परमात्मा से विलय होना, परमात्मा से मिल जाना, मोक्ष की प्राप्त करना, कैवल्य की प्राप्त करना, यही मुख्य उद्देश्य हमारे इन दोनों माध्यमों में दिखता है। और कहते हैं कि मन की शुद्धि, उच्च एकाग्रता और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति। मित्रों, आत्म साक्षात्कार, एकाग्रता, मन की शुचिता और उच्च एकाग्रता, ये सब चीजें किस चीज के लिए हैं, यही तो हमें मार्ग आगे बढ़ाते हैं, किस ओर ले जाते हैं, योग की चरम अवस्था की ओर ले जाते हैं। उस चरम अवस्था कौन सी है, परमात्मा की ओर ले जाते हैं। तो इसमें इस अवस्था में समाधि, मोक्ष, कैवल्य, मुक्ति, निर्वाण आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसे हमने अभी बताया कि ये सारे जो है क्या है, वही लक्ष्य हमारा है, वही आगे जाना है। जैसे पैदल का मार्ग हो सकता है, बैलगाड़ी का मार्ग होता है, मोटर रेलगाड़ी, उसी प्रकार योग के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आसन, प्राणायाम, ध्यान, जप, भक्ति, कीर्तन, पूजन, श्रवण आदि कोई साधन होते हैं। कई जगह पर यह मार्ग और भी कई नामों से प्रचलित होते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो इसमें एक अगला क्रम है जिसमें हमने बताया कि भक्ति योग में नाम जप का बड़ा महत्व है। नाम जप, जप या नाम जप, तो नाम जप कौन कौन सा क्या है, नाम जप में ईश्वर का जाप करना, यह तीन प्रकार से किया जाता है। ईश्वर का जाप करना, ईश्वर के नाम का जाप करना, या कोई विशेष मंत्र का जाप करना, विशेष रूप से इसमें नाम जप के विषय में कहा गया है, नाम का जप करना, जैसे राम राम का उच्चारण करना, या कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करना, राधे कृष्णा राधे कृष्णा का नाम जप करना, ऐसे कई प्रकार से तीन प्रकार के इसमें जप बताए गए हैं। तीन प्रकार के कौन से, वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप। वाचिक जप वो होता है जो दूसरों को सुनाई दे, या उच्चे स्वर में ईश्वर का नाम स्मरण करना है, तेज तेज बोल बोल करके, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राम 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 राम, इस तरह से बोल करके उच्चारण करना, सबको सुनाई पड़े उच्चे स्वर में, तो ये क्या होता है, वाचिक जप कहलाता है। उपासु जप किसे, धीमे स्वर में जप करना, धीरे धीरे जप करना। उसके बाद में होता मानसिक, या होठ ना हिलाते ही मन में ईश्वर का स्मरण करना, मानसिक जप। ये लोग जप करते हैं तो क्या करते हैं, हाथ में माला ले लेते हैं, या शांत ध्यान स्थिति में बैठ करके, और अंदर ही अंदर मन ही मन, होठ नहीं हिलते हैं, धीरे धीरे मंत्र का या उनका नाम का जप करते रहते हैं। भक्ति योग में के मुख्य दो तत्व हैं, कौन कौन से मुख्य दो तत्व हैं, इसमें बताया गया मन को तृष्णा से मुक्त एवं शुद्ध करना, मन को ईश्वर में लगाना। पहला क्या है, मन को तृष्णा से मुक्त और शुद्ध करना, मन को ईश्वर में लगाना। मन जो है तृष्णा में हमेशा भागता रहता है, मृग तृष्णा आपने सुना होगा, मृग तृष्णा। तृष्णा का मतलब यह है कि लगातार ये विषयों के लिए भागता रहता है, लगातार इधर, ये तृष्णा है। तो मन को उससे क्या होता है, मुक्त कर देता है और शुद्ध भी कर देता है। मन को ईश्वर में लगाना, ये सब जब मन हमारा जब एकाग्रचित होगा तब हम ईश्वर के प्रति लगा पाएंगे। हम पहले हमारा मन शुद्ध हो फिर हम ईश्वर की तरफ ले जाएं। तो ये हमारा दो मार्ग, दो तत्व हमने इसके बारे में जाने। अब हम भक्ति योग की बात करेंगे, तो भक्ति योग में नवधा भक्ति के विषय में बात कही गई है। नवधा भक्ति, नव प्रकार की भक्ति बताई गई, नवधा, नव प्रकार की। इस भक्ति के माध्यम, ये भक्ति का माध्यम है, कौन माध्यम है, नवधा भक्ति। कौन कौन से हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सरसव्य आत्म निवेदनम। ये नौ आपको यहाँ पर आप सामने ये इस सूत्र में देख रहे हैं, इस सूत्र में बताया गया है। ये भगवद गीता में इस नवधा भक्ति के विषय में बताया गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग को बताते हुए इस
सूत्र को इस श्लोक को बारे में बताया है, और बताया है कि श्रवण कीर्तन, अब आगे की स्लाइड में आप इसको जानेंगे कि क्या है। सबसे पहले नंबर पे श्रवण, श्रवण मतलब लिसनिंग, कैसे ईश्वर के गुणगान को सुनना। ईश्वर के गुणगान, ईश्वर के गुण कौन कौन से हैं, अनेक गुण हैं, उसमें से एक मैं गुण के विषय में बात करूंगा, ईश्वर का कौन सा गुण है। ईश्वर जो है उसके विषय में बताया गया है कि वो परमात्मा या वह ईश्वर जो है क्या कैसा है, प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है, सुख स्वरूप है, श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, पाप नाशक है, देव स्वरूप है, ये सात गुणों से युक्त हमारा परमात्मा है। उन गुणों का गुणगान करना क्या कहलाएगा, श्रवण। श्रवण मतलब उनका उनका गुणगान जो है सुनना, सुनना कर, तो ये श्रवण कहलाता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है कीर्तन। कीर्तन का तात्पर्य है ईश्वर का गुणगान करना, पहले तो सुनना उसके बाद में गुणगान करना। कीर्तन का भगवान के जो गुण हैं उनको किसी भी रूप में, पद्य रूप में, सॉरी गद्य रूप में, पद्य रूप में, किसी भी तरीके से गा करके या सत्संग के माध्यम से सुनना, ये क्या कहलाता है, कीर्तन। स्मरण, स्मरण का मतलब है ईश्वर का स्मरण करते रहना। आप मन ही मन जब भी आप जब एक भक्त है, वह भक्त हमेशा उस परमात्मा का हमेशा ध्यान करता रहता है, स्मरण करता रहता है। परमात्मा है वो हमारे सदैव हमारे साथ में है, कष्ट में भी है, सुख में भी है, दुख में भी है, हर समय हमारे साथ में। इस बात का स्मरण सब जब रहता है, आपने देखा होगा तो भक्त को कभी किसी से डर नहीं लगता है। भक्त को ये हमेशा लगता है कि हमारे साथ में ईश्वर है, वो ईश्वर का स्मरण उसको रहता है हमेशा। तो ये क्या कहलाता है, स्मरण, मतलब ईश्वर का स्मरण करते रहना। पाद सेवन, पाद सेवन का मतलब है ईश्वर के चरणों में समर्पण या चरण तीर्थ ग्रहण करना। अपना जीवन परमात्मा के चरणों में, ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना, क्योंकि ये जीवन तो उसी का दिया हुआ है, हम उसी के द्वारा ही तो हम आगे बढ़े हैं, हम हमारा जन्म हुआ है, हम पल बढ़ रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है, विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है, किसके माध्यम से, उस परमात्मा के। उनका पाद सेवन, पाद मतलब चरणों के पर, मतलब एक दास भाव के साथ में चरणों की तरफ, भगवान के चरण जो है उनको बड़ा पवित्र माना गया है, तो उस परम जो जो हम ईश्वर के चरणों में अपना समर्पण करना ही पाद सेवन कहलाता है। चौथा हमारा है अर्चन, क्षमा चाहेंगे यहाँ पर तो कुछ मिस्टेक है। अर्चन, अर्चन का मतलब है हथेलियों में पानी लेकर ईश्वर को अर्पित करना। जब हम प्रातः जब परमात्मा की संध्या करते हैं या सायंकाल संध्या करते हैं या जब हम परमात्मा को ध्यान करते हैं, भोजन करने चलते हैं, तो हाथ में जल लेकर के परमात्मा का ध्यान करते हैं और उसको उस पानी को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, ये क्या कहलाता है, अर्चन, अर्चन करना। अर्चन के बाद में आता है वंदन। वंदन में मतलब है दीनहीन भाव को, भाव से ईश्वर की प्रतिमा को नमन करना। दीनहीन का भाव का मतलब है अपने अंदर के अहंकार को खत्म कर देना, अपने पद प्रतिष्ठा हर चीज़ को भूल करके, क्योंकि हमारा ये सब चीज़ें सांसारिक हैं, ये क्षणिक हैं, ये अभी मिली हैं, कल हमारे पास नहीं हो सकती हैं, कल किसी और के पास में हो सकती हैं, ये जमीन से लेकर के साधन संपत्ति से लेकर के ये किसी के नहीं है, ये हमारे आत्मा के इनसे दूर दूर का कोई नाता नहीं है, ये सिर्फ एक माध्यम हमारे जीवन के लिए है। तो क्या करना है, हमको वंदन करना है, किस भाव से, दीनहीन भाव से। दीनहीन का मतलब ये है हम हमें लगने लगता है कि हमें कुछ मिल गया, हमें जो साधन मिल गए, संसाधन मिल गए, वो हमें हमारे लिए बहुत बहुत कुछ हो गया है, और इस भाव से हम अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगते हैं, बहुत इस भाव से समझने लगते हैं कि हम बहुत कुछ हमें मिल गया है, जबकि उस परमात्मा की दृष्टि से देखें, उस परमात्मा की दृष्टि से देखें तो हम बहुत दीनहीन रूप में ही हैं, क्योंकि हम जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, हम अपने अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक हम दीनहीन हैं, क्योंकि सच्ची संपत्ति इस आत्मा को जानना ही है। जब हम आत्मा के जान जाएंगे, आत्मा के द्वारा इसकी उपलब्धियों को जान जाएंगे, इसके अंदर की इसकी विशेषताओं को जान जाएंगे, तो समझ में आएगा। तो ये वंदन इसी को कहते हैं। दास्य, ये दास्य भाव, ईश्वर को का दास समझ करके, ईश्वर का दास समझ करके भक्ति करना, जैसे हनुमान जी की श्री राम के प्रति भक्ति, एक उदाहरण बहुत अच्छा है दास्य, अपना हमेशा अपने आप को दास समझना। आपको पता है हनुमान जी के विषय में कहा जाता है कि अतुलित बल धामम, अतुलित बल के वो धनी थे, बल बुद्धि विद्या के पूरे धनी थे, लेकिन फिर भी क्या करते थे, हमेशा दास्य भाव रहता था, वो ईश्वर से मतलब प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति भाव रखते थे और हमेशा विनम्र बन करके रहते थे, दास बन करके रहते थे।
तो ये उदाहरण हमने बताया है राम हनुमान जी का। उसके बाद में सर्वव्य, सर्वव्य का मतलब है ईश्वर को मित्र समझ करके भक्ति करना, जैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन, सुदामा, राधा जी का भक्ति थी। तो इसमें सर्वव्य का मतलब होता है साख्य भाव, साख्य भाव मतलब सखा का भाव, साख्य भाव में ईश्वर को मित्र समझ करके। सरसव्य का मतलब है, सर्वव्य का मतलब क्षमा चाहेंगे, साख्य भाव, साख्य मतलब ईश्वर को मित्र समझना। अब कौन कौन से, किसने ईश्वर को माना मित्र समझा? अर्जुन ने समझा, सुदामा ने समझा, जैसे सुदामा का यहाँ दृश्य देख रहे हैं चित्र में, और राधा, इन लोगों ने क्या किया, ये ईश्वर को मित्र भाव से, मित्रवत होकर के प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। हमेशा श्री कृष्ण भगवान उनको सखा कहते थे, सुदामा को कहते थे, अर्जुन को भी कहते थे, सखा भाव से कहते थे। आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन का मतलब है ईश्वर के प्रति पूर्णतः शरणाभक्ति। क्या होता है? शरणाभक्ति, हम भगवान ईश्वर के प्रति पूरी तरह से उन्हीं के शरण में चले जाएं, हम उन्हीं के शरण में हो जाएं, ये क्या कहलाता है? आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन। तो ये नवधा भक्ति आपने यहाँ पर आपने जानी, नवधा भक्ति क्या है। अब नवधा भक्ति के बाद में हम जानेंगे भक्तों के प्रकार के क्या हैं, और भक्तों के प्रकार, और वो भी भगवद गीता में भक्तों के कितने प्रकार हैं? चार प्रकार हैं। कितने? चार। कौन कौन से हैं? अर्थार्थी, अर्थार्थी, भोग सुख अर्थ की लालसा से भक्ति करने वाले। अर्थार्थी मतलब है कुछ लोग होते हैं भगवान के निमित्त जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भोग की वस्तुएं मांगते हैं, कहते हैं कि मुझे घर मिल जाए, मेरे बच्चे हो जाएं, मैं भोग से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो सुख और अर्थ की लालसा कि मेरा धन धान्य मुझे मिल जाए, नौकरी लग जाए, इस भाव से कुछ लोग भक्ति करते हैं, उनको क्या कहते हैं? अर्थार्थी। अर्थ भक्ति दूसरे नंबर की कौन सी भक्ति है? आर्त भक्ति। व्याधि निवारण हेतु भक्ति करने वाले, मतलब आर्त भाव से प्रार्थना करते हुए कि हमारे जीवन में कोई व्याधि है, कोई दुख है, हमारे जीवन में व्याधियां हैं, उन व्याधियों से हमें मुक्ति कर दो हे ईश्वर, उनसे हमें मुक्त कर दो। इस आर्त भाव से जब पुकारते हैं ईश्वर को, परमात्मा को ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये आर्त भक्ति कहलाती है। तीसरी भक्ति कहलाती है जिज्ञासु, मुक्ति की अभिलाषा से परमात्मा को समझने के लिए भक्ति करने वाला। मुक्ति की अभिलाषा मतलब हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं और हमारा एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करते हुए इस जीवन से, इस मनुष्य जीवन से मुक्ति प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है? जिज्ञासु वाली भक्ति, जिज्ञासुओं की इस प्रकार की भक्ति है। फिर अगला नंबर आता है ज्ञानी, चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी क्या करता है? निष्काम बुद्धि से युक्त और सदा भक्ति में मग्न रहने वाला होता है। ज्ञानी जो है वो हमेशा निष्काम भाव से करता है, उसके अंदर इस प्रकार के किसी भी प्रकार के सुख की अभिलाषा नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को किस लिए याद करता है? निष्काम बुद्धि और सदा भक्ति में मग्न रहने वाला, हमेशा भक्ति में मग्न रहता है, उसको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, प्रार्थना करता है ईश्वर से, उसके समर्पण का भाव रहता है, ये सारी सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ज्ञानी के रूप में। तो चार प्रकार की जो भगवद गीता में बताई है, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी। तो अगले क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और भक्ति योग का संदेश एवं महत्व को जानते हैं। भक्ति योग का असली अर्थ या संदेश क्या है, इस चीज़ को हम महत्व को समझेंगे। इसमें मुख्य रूप से पांच बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा हुई है। पांच बिंदुओं में मन को तृष्णा से मुक्त और शुद्ध करना। मन, मैंने प्रारंभ में ही बताया कि मन का स्वभाव चंचल है, मन हमेशा ये इधर उधर भागता है, हमेशा अपने विषयों की तरफ भागता है। और किस रूप से? मन का स्वभाव हमेशा क्या होता है? अधोगामी की तरफ होता है, हमेशा नीचे की तरफ भागता है। इसको ऊर्ध्वगामी बनाना है, इसको तृष्णा से मुक्त करना है, और मुक्त करने के साथ साथ में शुद्ध भी करना है, ठीक है। इसका क्या करना है? शोधन करना है, इसकी शुचिता को ध्यान में रखना है, अहंकार को नियंत्रित करके समर्पण के भाव को बढ़ाना। हम अपने अंदर के अहंकार को कम करें, जो भक्त होता है वो कभी अहंकारी नहीं होता है, उसके पास चाहे जितना कुछ हो जाता है, वो हमेशा विनम्र, उस हमेशा दास्य भाव उसके अंदर बना रहता है। तो इसलिए अहंकार को नियंत्रित करके समर्पण के भाव को बढ़ाता है। आजकल हम समाज में देखते हैं कि थोड़ा सा धन धान्य आने के बाद में लोगों के अंदर एक जबरदस्त अहंकार का भाव आ जाता है, तो ये अहंकार के भाव को नियंत्रित करने के लिए भक्तियों का संदेश है। समस्त प्राणियों के प्रति करुणा, मित्रता, प्रेम, आदर का भाव रखना। जितने भी प्राणी हैं, केवल मनुष्य के लिए नहीं, जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, उन सभी के लिए
क्या रखना है, करुणा रखना है, सबके अंदर अपना जैसा भाव रखना है कि हमें कष्ट है तो उसे भी कष्ट होगा, मित्रता का भाव रखना है, प्रेम का भाव रखना है, आदर का भाव रखना है, ये इस प्रकार से ये बात हमने बताई तीसरे नंबर की। चौथा नंबर है सुख दुख मान अपमान यश अपयश की प्रति संभाव होना। क्या होता है, जरा सा दुख होता है तो हम बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, सुख मिल जाने के बारे में अपने अपने आप से अपने मियाँ मुँह मिट्ठू बनने लगते हैं, बहुत ही प्रशंसा करने लगते हैं अपने आप से, जरा सा सुख मिलती है, सुख मिलता है। ऐसे मान अपमान में भी जरा जरा सी बात के लिए मान मिल गया तो अपने आप से अपनी सेखी बखारते हैं, अपमान हो गया तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। यश और अपयश इसी प्रकार से इन सब चीज़ों के प्रति क्या होता है, समभाव रहना, समत्वम योग्योच्यते, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है हर सभी स्थितियों में समभाव में रहना। तो यही भक्ति योग का भी यही उद्देश्य है, यही संदेश है कि हमें हमेशा दुख हो या सुख हो, मान हो अपमान हो, यश हो अपयश हो, सभी स्थितियों में अपने को एक अनुकूल स्थिति में बनाए रखना है। ये किसका का उद्देश्य है, ये भक्ति योग का उद्देश्य है। मन को वश में रखकर दृढ़ निश्चयी होना, दृढ़ निश्चयी मतलब आत्मविश्वासी, दृढ़ निश्चयी ये किसके आधार पर है, मन को वश में रख करके। मन जो जब भाग रहा है, जब हमने इसको वश में कर लिया तो क्या होगा, आपका मन दृढ़ निश्चयी होगा, जो आप चाहेंगे वो निश्चित ही करके मानेंगे, आपके लक्ष्य जो होंगे वो सदैव पूरे होते चले जाएंगे, अपने जीवन में जो भी ऊंचा सोचा है वो निश्चित प्राप्त कर सकते हैं। इससे आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और धीरे धीरे आप उस परमात्मा के जो जिन्होंने हमें जन्म दिया है उन उसके प्रति जो हमारा दायित्व है या हम जिस भाव से हमने इन मार्गों को अवलंबन किया है वो हमें निश्चित प्राप्त होगा। अगले क्रम में हम देखते हैं कि ये हमारे कुछ प्रकार थे जो हमने अभी आपके समक्ष प्रस्तुत किए। आप लोगों ने इस वीडियो में पूरी तरह से भक्ति योग को निश्चित ही बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का मैंने प्रयास किया है, आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से समझा होगा। इसी भाव के साथ साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।